बच्चन परिवार की अगर बात की जाए तो यकीन है इस बात का सबको कि बच्चन परिवार ने हर रिश्ते के मायने को ना सिर्फ हमेशा संजो कर रखा है बल्कि बच्चन परिवार ने हर रिश्ते में मर्यादा को भी बना कर रखा है। बच्चन परिवार के हर सदस्य ने रिश्ते को मर्यादा को समझा है और साथ में हर एक फैसले में एक दूसरे का साथ दिया है। गलत को गलत और सही को सही कहते हुए एक दूसरे का ताकत बनने वाले बच्चन परिवार के हर सदस्य की तारीफ हमेशा होती है। बी टाउन में आइडियल कपल ऐश्वर्या अभिषेक से लेकर मोस्ट पावरफुल कपल्स में अमिताभ जया का नाम शुमार है, लेकिन इस घर में एक और कपल है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। वजह यह है कि जिस तरह आज तक देखा जाए तो इतने सालों में अमिताभ ने जया का साथ नहीं छोड़ा, इतने मुश्किल परिस्थितियों में भी जया ने अमिताभ का साथ नहीं छोड़ा। तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद अपने रिश्ते में किसी तीसरे को इन्होंने आने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता है उनके बेटे बहू का अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन का। इतनी मुश्किलें आई, ट्रोल किया गया, सवाल खड़े किए गए, झगड़े हुए, मतभेद हुई, कई बातें हुई, विवाद तक हुए, लेकिन ना तो अभिषेक ने अपनी पत्नी को कभी गलत कहा और ना ही ऐश्वर्या राय बच्चन ने। इतने ट्रोल हुए अभिषेक बच्चन के, मुश्किल परिस्थिति में भी उनका साथ छोड़ा, तभी तो इन्हें आइडियल कपल कहा जाता है। बात अब की जाए अगर इस परिवार के उस बेहद ही ज्यादा लाइमलाइट से दूर रहने वाले कपल की, यानी कि अमिताभ की बेटी और दामाद की, तो सच है बात कि अमिताभ बच्चन अपनी बेटी को अपने घर से विदा करने के बाद, घर से डोली पर बिठाकर उन्हें अपने ससुराल भेजने के बाद सबसे ज्यादा दुखी हुए। हर पिता की तरह अमिताभ की आंखों में भी आंसू था। नाराजगी जया बच्चन से उन्होंने महीनों शेयर की थी क्योंकि नहीं थे वो तैयार अपनी 20 साल की बेटी को शादी के बंधन में बांधकर निखिल नंदा के घर भेजने के लिए। नहीं थे वो तैयार अपनी बेटी को अपने इस आलिशान बंगले जलसा से दूर इस तरह से उनका कन्या दान कर करने के लिए। अमिताभ अपनी बेटी से इतनी जल्दी अलग नहीं होने देना चाहते थे खुद को। कॉलेज के दिनों में ही श्वेता बच्चन की शादी फिक्स हो गई। जी हाँ, हो गई उनकी शादी साल 1997 में निखिल नंदा के साथ। नंदा परिवार के वो प्यारे बेटे जिन्होंने हमेशा रखा है मान सम्मान बरकरार बच्चन परिवार का। रिश्ते में राज कपूर की नाती हैं निखिल नंदा, यानी कि राज कपूर की बेटी रितु नंदा के प्यारे बेटे रहते हैं वो गुड़गांव में है, गुरुग्राम। गुड़गांव में उनका आलिशान घर है और यही एस्कॉर्ट ग्रुप ऑफ कंपनी, जी हाँ, इस लिमिटेड कंपनी को वो डील कर रहे हैं, इसके ऑनर है वो पिता राजन नंदा के चले जाने के बाद। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो जोड़ी है सेपरेट रहने की वजह से जो हमेशा सवालों में रही है, इनके सेपरेट होने के फैसले अपने हैं जिसमें कोई हक अमिताभ बच्चन का नहीं, दखल अंदाजी का, और ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने कहा। स्वागत है आप सभी का बिग बी स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूँ ये बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम बिग बी स्पेशल, जिसमें हम करने वाले हैं बात अमिताभ के इस स्टेटमेंट के बारे में जिसमें उन्होंने कहा बेटी को घर से विदा कर देने के बाद, बेटी का कन्या दान कर देने के बाद जो है बेटी पर किसी भी पिता का हक नहीं होता, बेटियां हो जाती है पराई धन। ऐसे ही कुछ शब्द थे अमिताभ बच्चन के जुबा से निकले, इमोशंस उन्होंने खत के जरिए साझा किया था। पराई धन होती है बेटियां, ये कहकर इमोशनल अमिताभ इस बात को जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार बेटी की शादी हो गई तो वो ससुराल वालों की हो जाती है। बेटी अपनी जिंदगी में क्या फैसले लेती है उनके ससुराल वाले घर की बहू के साथ फैसले किया लेते हैं, उसमें बेटी के माँ बाप का दखल देना सरासर गलत है। घर भारत देश में ये जो है हर घर की कहानी है, हर घर का किस्सा है। यहाँ भारत देश की हिंदू परिवार के संस्कृति के मुताबिक यही सच है जो अमिताभ कहते हैं, लेकिन इस बारे में आप जानते ही हैं कि अगर श्वेता बच्चन का फैसला अमिताभ जया के साथ ही रहने का है तो इस फैसले के भी खिलाफ अमिताभ जया कभी नहीं गए। बड़ी ही खुशकिस्मत है श्वेता बच्चन कि उनके पति निखिल नंदा ने भी उन्हें
कभी भी दूर नहीं होने दिया उनके माँ बाप से। जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कैसे, किस तरह, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन जो है रहती है जलसा में। वजह इसका उनका प्रोफेशन है, वो पेशे से एक मॉडल, साथ साथ में एक फैशन डिजाइनर। MS स्टोर यानी कि मोनिसा जैसी के साथ उनका जो फैशन लेवल है उसे संभाल रही है श्वेता बच्चन। इसमें भी सपोर्ट उन्हें अपनी बच्चन फैमिली का मिलता है। जलसा में तो वो रह रही है लेकिन निखिल नहीं आ सकते मुंबई क्योंकि उनका पूरा बिजनेस दिल्ली में है। लेकिन हर पार्टी फंक्शन में निखिल श्वेता साथ होते हैं। सपोर्ट सिस्टम श्वेता बच्चन के लिए निखिल नंदा आज भी है। हाँ, ये बात अलग है कि श्वेता बच्चन जो है जलसा में रहकर अपने परिवार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ी है। अगर उस लेटर की बात की जाए जिसमें लड़कियां पराई धन होती हैं ये अमिताभ ने कहा था, तो चलिए हम आपको बता दें, अमिताभ ने अपनी बेटी को लेकर जो है स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने जो है काफ़ी कुछ कहा था, इमोशनल लेटर भी लिखा था। अमिताभ ने कहा था उनकी बेटी की शादी हुई थी, वो अपनी पत्नी जया से झगड़ भी पड़े थे क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ उस फैसले पर नहीं कि वो अपनी बेटी को इतनी जल्दी विदा कर दे। ये बात श्वेता बच्चन ने ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर शेयर किया था अपने पिता को लेकर। बताया जा रहा है कि श्वेता अपनी बेटी नव्या और बेटी अगस्त्या की वजह से भी मुंबई में रहती है क्योंकि उन्होंने भी मुंबई बॉलीवुड इस दुनिया के साथ अपना फ्यूचर जोड़ रखा है। अगस्त्या नंदा की फिल्मों की तरफ हो रही है एंट्री और इसे लेकर तैयारियां भी चल रही है। बताया जा रहा है कि जोया अख्तर के साथ जो है कर रहे हैं वो काम और खुशी कपूर के साथ वो डेब्यू कर सकते हैं फिल्मों में। ये उनकी अपनी तैयारियां हैं और ये तैयारियां काफ़ी दिलचस्प तरीके से हो रही हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे श्वेता बच्चन को लेकर इमोशनल नोट जो लिखा था, उन्होंने कहा था समाज और कल्चर जो है कुछ नहीं है बेटियों के बिना। अमिताभ बच्चन ने लिखा, बेटियां ना होती तो संसार, समाज, संस्कृति सब के सब नदारद हैं। ये लिखकर अमिताभ ने इमोशंस जाहिर किए थे जिस पर श्वेता ने लव यू पापा लिखा था। श्वेता ने एक बार लिखा था, बीइंग अ डॉटर एंड रेजिंग अ डॉटर इज गिविंग एंड रिसीविंग रीजंस टू स्माइल। ये श्वेता बच्चन ने भी डॉटर्स डे पर लिखा था। अभिषेक बच्चन की बात की जाए तो वो भी इस बारे में कहती हैं और श्वेता भी कहती हैं। अमिताभ ने बताया था, हमेशा एक दुख रहा है उन्हें कि सुबह जब जा रहे होते तो फिर से सो रहे होते हैं क्योंकि देर रात वापस आते थे तो वो थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन अब सब समझदार हो गए। ये उस वक्त की बात है जो कि अमिताभ बच्चन ने शेयर की थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जब वो बच्चे उनके छोटे थे तब वो समय नहीं दे पाते थे बच्चों को। फिर जया बच्चन ने तो अपने करियर से दूरी बना ली थी और उन्होंने अपने बच्चों को संभाला, लेकिन अमिताभ और अपनी फिल्मों को लेकर अमिताभ अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते। जब वो आते तो उनके बच्चे सो रहे होते थे, इसका उन्हें दुख हमेशा सताता था कि वो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ ज्यादा गुजार नहीं पाए थे वक्त। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन के बारे में। बेटी से पहली बार उनको डोली में विदा करने पर अलग हुए थे अमिताभ। छलका था उनका दर्द, आंसू बनकर निकल रहे थे उनके दिल के दर्द, बिछड़ने का गम अपनी बेटी से। लेकिन जलसा में पिछले कई सालों से रह रही श्वेता बच्चन अपने पिता के बुढ़ापे की इस स्थिति में जानती है कि कितना ज्यादा उनके पिता को सहारे की जरूरत है। जया एक राजनीतिक सदस्य चेहरा होने की वजह से अप्स एंड डाउन दिल्ली से वो मुंबई करती है। ऐश्वर्या अपने फिल्मी सफर की वजह से ज्यादा व्यस्त रहती है। अभिषेक को अपने प्रोफेशनल करियर की वजह से बिजी रहना पड़ता है। अमिताभ भी अपने फिल्मों की शूटिंग तो कभी शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में लगे रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच अमिताभ को कई बार मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी हॉस्पिटल के वो चक्कर काटते हैं तो कभी डॉक्टर से मुलाकात करने की चक्कर वो लगाते हैं, जिसके कारण अमिताभ को अपनी बेटी श्वेता के सपोर्ट की जरूरत होती है और इसलिए श्वेता हमेशा उनके साथ रहती है। दोस्तों, बिग बी स्पेशल में आज इतना ही। लौटेंगी आपके बीच ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानी पेश करने के लिए फिल्मी दुनिया के इन सितारों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।